नमस्कार दोस्तों, ट्रू सर्विस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो इंटरनेट है, मोबाइल का इंटरनेट है, उसकी जो सेटिंग है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, वो बताने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पैक महंगा डलवा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा जो हाई स्पीड वाला पैक डलवाते हैं, तब भी हमारी जो स्पीड है वो नेट की, इंटरनेट की, उतनी प्रॉपर नहीं आती है। वो पैक से डिपेंड नहीं करता है, पैक पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने हाई लेवल का पैक डलवाया या लो लेवल का। वो डिपेंड करता है आपकी सेटिंग के ऊपर, आपका जो फ़ोन है उसकी, फ़ोन की जो एक्सेस जो सेटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें आपने कौन सी सेटिंग करनी जिससे आपकी जो नेट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसमें जाना है सेटिंग में, अपने मोबाइल की। जब आप सेटिंग में जाओगे, आपको दिखेगा यहाँ पर कनेक्शन। कनेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आएगा नीचे मोबाइल नेटवर्क्स, उसमें जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगी। सबसे पहले देखिए डाटा रोमिंग। तो जो लोग डाटा रोमिंग ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप डाटा रोमिंग ऑन करोगे ना, तो आपका जो नेट है उसकी स्पीड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी रोमिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये हमने तभी ऑन करना है जब हम रोमिंग में गए हों, किसी स्टेट से अगर हम बाहर जाते हैं तब हमने डाटा रोमिंग ऑन करना है, अदरवाइज इसको हमने ऑफ़ करके रखना है। अगर आप इसको ऑफ़ करके रखोगे तो आपकी जो स्पीड है नेट की वो इंक्रीज हो जाएगी, काफ़ी बेटर हो जाएगी पहले से। तो इसको हमने डाटा रोमिंग को ऑफ़ करना है, जब आप रोमिंग में जाते हो तब इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आगे नेटवर्क मोड में जाके ये आपने जो सेटिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने मतलब 3G 2G या उस पर किया होता है, या फिर नीचे LTE पे किया होता है, LTE ओनली। आपने यहाँ पर ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो है LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट पे करना है, तो मैक्सिमम जितनी स्पीड जब आएगी तो आपको प्रॉपर मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे LTE कर देते हो तो LTE में क्या होता है, LTE जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो एक एक्यूरेट हो जाती है। मतलब अगर कम होगी जिस टाइम आप उसकी सेटिंग LTE पे लगा देते हो, जिस टाइम अगर आपकी स्पीड कम चल रही है तो वो प्रॉपर कम ही रहेगी, वो एक फिक्स हो जाती है स्पीड। तो अगर आप इसको ऊपर कर दोगे ऑटो कनेक्ट पे, तो स्पीड जब आपकी जितनी आ रही पीछे से उतनी ही स्पीड प्रॉपर चलेगी। तो आपने ये पहले नंबर पे करना है। उसके बाद आगे एसएस पॉइंट नेम्स। एसएस पॉइंट में अगर आप जाते हो तो उसमें जाके आपको यहाँ पर लिखा आएगा, जैसे जियो का हम यूज कर रहे हैं तो आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा नेम। नेम में आपने क्या करना है, जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पर जियो 4G है, आपने इसको डिलीट कर देना सबसे पहले जब भी सेटिंग करोगे। जियो दोबारा आपने इसमें लिखना है, जियो उसके बाद 4G, ओके। हो सके तो कैपिटल में लिखना, क्योंकि कैपिटल में थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, प्रॉपर कनेक्ट होता है। उसके बाद आगे APN में जाके फिर आपने इसको डिलीट करना है, जियो नेट, उसके बाद जियो नेट लिखने के बाद ओके। उसके बाद प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी में आपने कुछ नहीं करना है, कैंसल। उसके बाद पोर्ट है, पोर्ट में भी आपने कुछ नहीं करना है, यूजर नेम वैसे पड़ा रहने दो इसको। उसके बाद पासवर्ड, इसको कैंसल। उसके बाद आगे सर्वर आपका वैसे रहेगा। उसके बाद आगे कुछ नहीं करना है, नीचे जाके जो MCC है, MCC में आपने 405 रखना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर जो जियो का यूज कर रहे हो तो उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट है, और जो कंपनियों के किसी का 430 होता है MCC, किसी का 425 होता है, लेकिन ये जो जियो का है इसका MCC जो होता है वो 405 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको यहीं पर रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो MNC है, MNC इसका 850 से लेके 900 के बीच में आप रख सकते हो, ये डिपेंड करता है। कोई भी फ़ोन है आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब किसी में मतलब 700 रखना है, किसी में ये 850 से लेके 900 के बीच में आप कोई भी रख सकते हो, चाहे आपके पास फ़ोन जो मर्जी हो, चाहे आपके पास जो नेटवर्क है वो जो मर्जी हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 800 से 900 के बीच में जो इसकी MNC स्पीड रहती है, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की जो स्पीड होती है वो प्रॉपर रहती है। तो 870 भी कर सकते हो, 880 भी कर सकते हो, बट 850 से लेके 900 के बीच में, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ गया ऑथेंटिकेशन टाइप। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखिए नन लिखा है, यहाँ पे नॉन लिखा हुआ है। उसके बाद आगे पैप चैप और पैप और चैप, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पैप और चैप पर आपने इसको ऑन कर लेना है, ओके। APN टाइप जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वैसे रहने दो। उसके बाद APN प्रोटोकॉल, इसमें आपने दोनों पे करना है, एक ऊपर है IPv4 IPv6, आपने दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं, IPv4 IPv6, ओके। उसके बाद बियरर, इसमें कुछ नहीं करना, अनस्पेसिफाइड आपने करना है, अनस्पेसिफाइड, ओके। उसके बाद आगे नीचे मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, यहाँ पर कुछ आपने नहीं करना है, ओके। उसके बाद सबसे ऊपर जाके
ये तीन आपको डॉट दिख रहे होंगे, वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सेव, आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, जो आपका नेटवर्क है थोड़ा सा हाईलाइट होगा, उसके बाद दोबारा चल पड़ेगा। अब दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आप अपना नेट चला के देखोगे तो आपकी स्पीड आपको प्रॉपर मिलेगी, जो पहले स्पीड थी उससे थोड़ी सी बेटर मिलेगी, तो इसको यूज करके ज़रूर देखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।